एपिसोड 610 बर्फीला हमला। ध्रुव अपने दोस्तों को लिए उस रेतीले दलदल में कूद चुका था और जैसा कि ध्रुव को अनुमान था कि वाकई में एक दरवाजा था। ये लोग सीधे एक गीली जगह पर जाकर गिरे थे। वहां पर सिर्फ पहाड़ चट्टान ही थे। दूर तक फैले हुए समंदर के किनारे लगातार बारिश होने की वजह से कहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो जहां पर खड़े थे वहां एक बड़ा सा पेड़ था। वे पांचों उस जगह को बड़े ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहां से कहां आगे बढ़ना सही रहेगा। तभी विक्की अपना सिर खुजलाते हुए बोला, लो बोलो, कुछ देर पहले तक पानी की एक बूंद नहीं दिख रही थी और अब यहाँ पानी ही पानी है कि पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? तभी तारा बोली, एक चीज तुम लोगों ने गौर किया? अनन्या ने पूछा, क्या? तारा बोली, यहाँ पर पहाड़, चट्टान, गुफाएं ही हैं और समंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो इन सबसे अलग है, वो है ये पेड़ जहाँ पर हम खड़े हैं। तारा की बात पर अनन्या ने उस पेड़ की तरफ देखा। वो बहुत ज्यादा मोटा और बड़ा पेड़ था। वो कितना ऊपर जा रहा था वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अनन्या बोली, और इस पेड़ के तने में देखो, ये खोखला है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर से कोई रास्ता जा रहा हो। तारा बोली, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, हम उस रेतीले रास्ते से यहाँ पहुंचे हैं और अब यही रास्ता है जिससे हमें आगे बढ़ना है। ध्रुव बोला, और मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हैं। तुम लोग कह रहे थे ना कि वो सीप कैसे हो सकता है रेत में, और मैंने कहा था कि उस रेगिस्तान के नीचे समंदर है, और देखो हम उस रेगिस्तान के ठीक नीचे हैं और वो सीप यहीं कहीं होना चाहिए। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी अंगूठी से वो नक्शा खोला। ध्रुव नक्शे को गौर से देख रहा था। छलावा ने कहा, इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें तो काफी कुछ दिख रहा है। ध्रुव बोला, ये देखो, ये जो सुनहरी लकीर जैसी दिख रही है ना, यही हमारा रास्ता है। यहाँ पर बीच में ये जो सुनहरी लकीर गायब हुई थी, इसका मतलब था वो रेगिस्तान जिसको हम पार करके आ गए हैं। जहाँ जहाँ रुकावटें होंगी वहाँ वहाँ ये लकीर गायब हो जाती है। छलावा ने कहा, तो उसके आगे तो अब ये लकीर कहीं गायब नहीं हो रही है, इसका मतलब अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, हम सीधा सीप तक पहुंचने वाले हैं ना? ध्रुव ने कहा, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब महाराज ने मुझे ये नक्शा दिखाया था उस वक्त कहीं पर ये लकीर कटी नहीं थी, ये बिल्कुल सीधी लकीर थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम जैसे जैसे रुकावटों को पार करते जाते हैं, ये नक्शा हमें हमारी पिछली रुकावटों के बारे में दिखाता है, आने वाली मुश्किलों के बारे में नहीं, ताकि हम सतर्क ना हो सके। छलावा ने कहा, क्या मुसीबत है, जो मुसीबतें बीत चुकी है उसको दिखा रहे हैं, जो आने वाली है वो नहीं दिखा रहे हैं। बहुत दिमाग लगाकर इस जगह को और इसके नक्शे को बनाया गया है। ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, हम जिस चीज की तलाश में आए हैं वो भी तो इतना आसान नहीं है, ना इतना मामूली। अगर वो चीज आसान होती तो वो कहीं भी नहीं मिल जाती। अगर उसको इतना छुपा कर रखा गया है, इतना सुरक्षित रखा गया है, तो इसका मतलब साफ है कि वो बहुत ही नायाब है। विक्की ने कहा, ये तो हम सबको पता है, कुछ नया बताना। अभी विक्की इतना बोला ही था कि उन्हें किटकिट की आवाज सुनाई थी, जैसे कि कुछ टूट रहा हो। ध्रुव ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखी और बोला, कुछ सुनाई दे रहा है? ध्रुव की बात सुनकर विक्की बोला, पानी की आवाज आ रही है। ध्रुव बोला, नहीं नहीं, पानी के अलावा कुछ और सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है। उन लोगों ने गौर से सुना तो उन्हें भी सुनाई दिया। विक्की बोला, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सूखी लकड़ी टूट रही हो। तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके सिर के ऊपर कुछ है। उन सब ने जब ऊपर देखा तो हैरान रह गए। वो जिस पेड़ के नीचे खड़े थे वो पेड़ पूरी तरीके से उनके सिर के ऊपर झुका हुआ था। ये देखकर विक्की जोर से चीखता हुआ ध्रुव के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, ये क्या है? ध्रुव ने कहा, शांति से खड़ा रहे बिना कुछ बोले, तुझे ही कुछ नया चाहिए था ना, तो अब ये ले नया। विक्की बोला, इतना भी नया नहीं चाहिए था, और मैंने नई मुसीबत को तो बिल्कुल ही नहीं चुनौती दी थी। धीरे धीरे करके वो पांचों उस पेड़ की टहनी में कसते जा रहे थे और अपने आप को छुड़ाने के लिए कस मसा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ उन्हें और टाइट करके दबाता जा रहा है। अगर उस पेड़ ने थोड़ी देर और कसकर दबाया होता तो इनकी आंखें जैसे बाहर निकल आती। तभी एक भारी गुजरती हुई आवाज आई, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? विक्की बहुत धीरे से बोला, हम लोग उस वंशावली सीप को ढूंढने आए हैं जो कौतुब साम्राज्य का है। क्या आपको पता है कि वहां तक जाने का रास्ता क्या है? विक्की की बात सुनते ही वो आवाज और तेज हो गई। उसकी आवाज गुस्से में भर गई और वो गुस्से में दहाड़ता हुआ बोला, तुम उसको नहीं अपनी मौत को ढूंढते हुए आए हो। छलावा इरिटेट होते हुए बोला, ये लो, फिर से इसने मुंह खोला और कर दिया मटिया मीट। अरे ये बोलने की क्या जरूरत थी,
विक्की बोला, तो क्या मैं बोलता इसे कि अपनी बहन की शादी में अपने जीजा का जूता छुपाने आया हूँ? इसे नहीं पता है क्या कि यहाँ कोई क्यों आता होगा? इससे पहले कि उन दोनों की बहस में एक नई मुसीबत आती, ध्रुव ने अपना हाथ आगे किया जिसमें उसने वो अंगूठी पहनी थी और बड़ी ही शांति से बोला, इस अंगूठी को देखिए, ये मुझे कौतुब साम्राज्य के महाराज ने दिया है, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। दरअसल कौतुब साम्राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसलिए उस वंशावली सीप तक मेरा पहुँचना बेहद जरूरी है। मैं उनका मददगार हूँ, मैं उस सीप को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। उस अंगूठी के आगे होते ही उस पेड़ की लोगों पर पकड़ ढीली हो गई। उसने धीरे धीरे इन्हें जमीन पर नीचे उतार दिया और उन सबके देखते ही देखते वहाँ तेज रोशनी हुई। जहाँ वो पेड़ खड़ा था वहाँ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा नजर आया जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और जिसकी आंखों में बहुत तेज दिख रहा था। अचानक उस पेड़ को आदमी में बदलते देख वे लोग हैरान थे। ध्रुव आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, आप कौन है? उसने कहा, मैं उस वंशावली सीप का रक्षक हूँ, यहाँ से आगे किसी को भी बढ़ने देने की इजाजत नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इसीलिए आप लोगों को रोका, लेकिन अभी अंगूठी को देखकर मैं समझ गया हूँ कि आपको कौतुब के महाराज ने भेजा है, मैं आप लोगों को वहां तक पहुँचने का रास्ता बताऊंगा। ध्रुव बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर हमें इस अंगूठी की वजह से आगे जाने दे रहे हैं तो बाकी लोगों को आप कैसे आगे जाने दे सकते हैं? उस बुजुर्ग ने कहा, बाकी कौन, यहाँ तो सदियों से कोई नहीं आया है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सुनकर ध्रुव हैरानी से बोला, अभी अभी एक आदमी यहाँ से गुजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं ऐसा असंभव है, बिना इस अंगूठी के यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर ध्रुव हैरानी से अपने मन में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यहाँ से कोई नहीं जा सकता तो आखिर विनायक कहाँ गया है? उसकी मंजिल भी तो वो सीप ही है, तो क्या वहां तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता है? ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पूछा, एक बात बताइए, क्या उस सीप तक पहुंचने का कोई और रास्ता भी है? उस बुजुर्ग ने इनकार करते हुए कहा, नहीं वहां तक पहुंचने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अब ध्रुव बहुत चिंता में पड़ चुका था, तभी छलावा धीरे से बोला, ध्रुव मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। ध्रुव ने कहा, हाँ लेकिन अभी कुछ बोलो मत, देखते हैं ये हमें लेकर कहाँ जाते हैं, उसके बाद पता चलेगा कुछ। छलावा ने हाँ में सिर हिलाया और ध्रुव बोला, कृपया आप हमें वहां तक ले चलिए। उस बुजुर्ग ने अपने कदम आगे बढ़ाए, ध्रुव और बाकी सभी उसके पीछे चल पड़े। कुछ आगे जाकर वो समंदर के किनारे खड़े हो गए। ध्रुव बोला, हम यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? उस बुजुर्ग ने कहा, यहीं से आपको उस सीप तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। इतना कहकर उसने अपने हाथों से समंदर के पानी को छुआ। विकी ने धीरे से कहा, लगता है ये नाव बुला रहे हैं। लेकिन विकी गलत साबित हुआ, वहां नाव नहीं आई बल्कि समंदर का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और वहां पर सीढ़ियां बनती नजर आई। उस बुजुर्ग ने कहा, यही सीढ़ियां आपको सीप तक पहुंचाएंगी, आप इन्हीं सीढ़ियों को उतरते चले जाइए। ध्रुव बोला, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? उस बुजुर्ग ने इनकार करते हुए कहा, नहीं माफ कीजिएगा लेकिन मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मैं यहाँ का पहरेदार हूँ, मैं एक पल के लिए भी यहाँ से अपनी नजर नहीं हटा सकता। ध्रुव ने उस बुजुर्ग के आगे हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कहा और अपने दोस्तों को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। ध्रुव बोला, संभाल कर, इन सीढ़ियों पर बहुत फिसलन है। वे सब एक दूसरे का हाथ थाम कर संभल संभल कर उतरते जा रहे थे। काफी नीचे जाने के बाद वो सीढ़ियां खत्म हुई तो वो एक विशाल हॉल में पहुंच चुके थे जहां पर चारों तरफ पानी की ही दीवारें और पानी की ही छत थी। वहां पहुंचकर छलावा बोला, हम यहां तक तो आ गए हैं लेकिन अब तक विनायक नहीं दिखा, अब तक मेरे दिमाग में इस बुजुर्ग की बात चल रही है। अनन्या ने कहा, देखो वे लोग वैसे भी साजिशें करने में एक्सपर्ट है, हो सकता है कि विनायक को पहले से पता हो कि इस तरह का कोई पहरेदार है यहां और वो उसकी नजरों से बचकर निकल गया हो। ध्रुव बोला, नहीं अनन्या, इतनी आसानी से तो वो उस पहरेदार की आंखों में धूल झोंक कर नहीं आ सकता। अनन्या बोली, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ध्रुव ने कहा, फिलहाल तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, अभी विनायक से ज्यादा जरूरी काम है हमारे पास। विनायक यहाँ कैसे पहुंचा ये तो वही हमें बताएगा, लेकिन अभी जो काम करने आए हैं वो करते हैं। ध्रुव की बात उन्हें सही लगी, वो सब आगे बढ़े। काफी आगे जाने के बाद उन्होंने देखा एक लाइन से पानी से बने हुए लोग खड़े थे।
वो सब दिखने में सिपाही की तरह लग रहे थे और लग रहा था जैसे उस सीप की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। ध्रुव ने गौर किया तो जहाँ पर वो पानी के लोग खड़े थे उसके पीछे ही एक बड़ा विशाल सफेद रंग का चमचमाता हुआ सीप रखा हुआ था। उस सीप को देखकर ध्रुव की आंखें चमक गई। ध्रुव अपने दोस्तों से बोला, पहुंच गए हम। विकी बोला, कहाँ? ध्रुव ने हाथों के इशारे से कहा, वो देखो, वो रहा वो वंशावली सीप। इसके बारे में हमें बताया गया है। सबकी नजर उस सीप पर पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वे लोग उसके बारे में कुछ बात कर पाते या आगे बढ़ पाते, वो पानी से बने हुए सिपाही इन्हें अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखे। तारा घबराती हुई बोली, अब इससे कैसे निपटेंगे? विकी ने कहा, लगता है उनके भीतर घुसकर स्विमिंग करना पड़ेगा। क्या तुम भी? इन पानी के लोगों से क्या डरना, पानी तो है, और मुझे लगता है हम सबको स्विमिंग करनी आती है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमें डुबाने की कोशिश करेंगे। तुम भी ना तारा। इतना कहकर विकी आगे बढ़ा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगा। ध्रुव पीछे से बोला, विकी रुक जा। विकी बोला, अरे तुम लोग फिक्र मत करो, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। इतना कहकर विकी बड़े स्टाइल के साथ उन पानी के सिपाहियों के नजदीक गया। विकी के नजदीक आकर वे सब रुक गए थे। विकी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उसको ही घूर रहे हैं। आंखों की जगह पर उनके बर्फ के टुकड़े जैसे थे और उनके नजदीक जाने से विकी को बहुत तेज ठंड का एहसास हो रहा था। वो अपने हाथों को आपस में मलता हुआ बोला, लगता है ये लोग डुबा कर नहीं जमा कर मारते हैं लोगों को। इससे पहले कि विकी को कुछ समझ में आता, उनमें से एक ने अपने दोनों हाथों से विकी को उठा लिया। उनके छूते ही विकी के पूरे शरीर में बर्फ जम गई और फिर उस सिपाही ने विकी को एक तरफ पटक दिया।